हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो आज है 17 सितंबर, तो ऑलरेडी 1 बज रहे हैं रात के, और हम तीन तीन जन चार जन बैठ के अभी रूम पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि कल सुबह मैसूर के लिए निकलना है। पूरा प्लान बन चुका है पर तब भी कुछ प्लानिंग नहीं हुई है। अभी हम लोग बैठ के रोड मैप बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ रहेंगे। हम लोग कल सुबह 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 निकल जाएंगे 6 बजे के आसपास। प्लान है कि 3-4 घंटे में मैसूर पहुंच जाए। वील बुक इन अ वील चेक इन टू एन होटल एंड देर आफ्टर फ्रेशन अप होके घूमेंगे मैसूर। वील स्टे ओवर ओवर देयर फॉर द नाइट एंड देन संडे सुबह वील अगेन हैव आवर रिटर्न जर्नी बैक टू बैंगलोर। तो दिस इज द रॉ प्लान, अंदर का फिगर आउट करेंगे क्या करना है। अभी के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड हम लोग अपने स्केड्यूल टाइम से एटलीस्ट 2 घंटा लेट चल रहे हैं। तो प्लान है कि अभी डायरेक्टली निकलते हैं, ऑन द वे हाईवे पे रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए एंड 4 घंटे में वी शुड रीच मैसूर। सो सी ऑन द वे। सो अपन निकल चुके हैं फॉर मैसूर, लेकिन छोटी सी एक दिक्कत हो चुकी है। हेलमेट का असल में शॉर्टेज है, नॉट एग्जैक्टली शॉर्टेज बट सिंस इट्स अ लॉन्ग ट्रिप अपन थोड़ा अच्छा हेलमेट लेने के लिए निकले हैं। तो हम लोग अभी श्रेयस के दोस्त के यहाँ जा रहे हैं एंड वहाँ से हेलमेट एक्सचेंज करके देन वील बी इन रूट फॉर मैसूर। ओके, सो हेलमेट एक्सचेंज हो गया है एंड फाइनली वी आर इन आवर जर्नी टूवर्ड्स मैसूर। अभी हम लोग मन्ने कोलाला वाले एरिया में हैं। सो अभी प्लान तो यही है कि सिटी लिमिट्स फटाफट छोड़ते हुए हाईवे को टच करते हैं एंड पोस्ट दैट ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया या समथिंग जहाँ बैठ के ब्रंच कर सकें। सो सी यू गाइस अहेड। कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? रेडी? हाँ रेडी। रेडी? रेडी? चलो चलो। तो गाइस अभी 10:15 बज रहे हैं, 1 घंटे से थोड़े ज़्यादा का पिट स्टॉप हो गया। सो एज़ यू कैन सी, जब हम लोग पार्किंग में लगा रहे थे तभी अच्छा खासा रश था। द रेस्टोरेंट वॉज टोटली पैक्ड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एक सीट मिली एंड दो हम सब ने खाली डोसा और कॉफ़ी मंगवाई थी, उसी में अच्छा खासा आधा घंटा समय लग गया उनको देने में। एनीहाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड अभी प्लान यही है कि 1-1.5 घंटे से पहले कोई दूसरा पिट स्टॉप ना लें अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो। एंड यहाँ से आई अज्यूम मैसूर विल बी अनदर 120 किलोमीटर्स और सो। सो या स्टे ट्यून्ड। प्यारा, बहुत ही प्यारा, अति सुंदर रोड। अभी तक हम लोगों ने लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है मैसूर तक का और आधा बचा है। मेरे ख्याल से इट शुड टेक अस अनदर 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स। अभी तक का रोड सिंस द बिगनिंग ऑफ द मेन हाईवे, ब्यूटीफुल। हाँ, ये अलग बात है कि बीच बीच में अभी भी डाइवर्जेंस हैं तो हम लोग को कॉन्स्टेंट स्पीड मिल नहीं रहा, थोड़ा लेफ्ट राइट करना पड़ रहा है। But definitely once this road is ready, probably by Feb 2023, कमाल का रोड हो जाएगा ये। आराम से 1.5 से 2 घंटे के अंदर कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी बैंगलोर से निकल के मैसूर के अंदर होगी विद इन द
इस टाइम फ्रेम। अभी भी अगर आप लोग देखो तो हम लोग सर्विस रोड पे हैं, हम लोग के राइट से बेंगलोर मैसूर का हाईवे निकल रहा है, बट अमेजिंग, इवन दी सर्विस रोड्स आर टॉप नॉच और वेदर तो अलग ही प्यारा हो रखा है। प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी धूप है बट वो भी बीच बीच में छुप जा रही है बादलों के पीछे। ब्यूटीफुल राइड। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था, अभी हम लोग मैसूर के आउटर में हैं एंड देन वी थॉट कि थोड़ा सा बाइक स्वैप कर लेते हैं। तो मैं अभी बैठ गया हूँ अपाचे में श्रेयस के पीछे एंड एक्सब्लेड पे आयुष है, आयुष चला रहा है एंड पीछे पूजा बैठी है। मैंने भी सोचा चलो सही है, थोड़ी देर पीछे बैठ के आराम फरमाते हैं एंड लेट आयुष एंड श्रेयस डू द वर्क। सो एज सच अभी तक मैप खोल के मैंने देखा नहीं है कि हम लोग का होटल कितना दूर है यहाँ से, बट सीइंग दी साइन बोर्ड्स आई बिलीव इट्स गोइंग टू टेक अस अनदर आर। अनदर आर इसलिए क्योंकि वंस वी एंटर मैसूर लिमिट्स अगेन देर माइट बी ट्रैफिक एंड सिग्नल एंड डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। सो या ओ देखिए जा रही है हमारी एक्सप्लेड, टाटा। अच्छा तो थोड़ा सा गलत बोल गए हम, अभी जब मैंने मैप चेक किया तो पता चला कि जहाँ पे हम लोग ब्रेक लिए थे दैट वॉजेंट मैसूर का आउटर बल्कि कोई छोटा सा गांव, अब गांव भी नहीं कहेंगे, छोटा सा शहर था जहाँ पे हम लोग खड़े थे और हम लोग के ठीक ऊपर से बेंगलोर मैसूर का बाईपास हाईवे जा रहा था। तो वंस इट्स रेडी हम लोग को ऐसे छोटे छोटे शहरों के थ्रू क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली बाईपास करते हुए उनको निकल जाएंगे थ्रू दी फ्लाई ओवर। सो एनी हाउ कमिंग बैक टू द ट्रिप दैट वी आर इन, एक घंटा तो और लगना ही लगना है, अभी भी 30 से 40 किलोमीटर हमें कंप्लीट करने हैं तो एक घंटा तो मिनिमम है ही भाई। और ये हमारे श्रेयस चचा, वाह आयुष चचा, ये पूजा दीदी, ये हमारी अपाचे 200, श्रेयस की अपाचे 200। चलो चलते हैं, 30 और किलोमीटर रह गया। तो भैया ये हम लोग का लास्ट पिट स्टॉप हो गया, अभी नेक्स्ट स्टॉप बाय हुक और क्रुक अब होटल में ही होगा। आराम आराम से चलते चलते डाइवर्जेंस के थ्रू लेफ़्ट राइट करते करते अच्छा खासा लेट हो गया है। प्लान ये था कि 11:30 तक पहुंच जाएंगे हम लोग होटल, बट अब लगता है कि एक तो लग ही जाएगा एंड फाइनली मेरे को अपाचे चलाने का मौका मिल गया। फाइनली इन द सेंस कि मेरे को हमेशा से मन था कि यू नो अपाचे एक बार तो दौड़ानी है हाईवे पे एंड फाइनली वो कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ब्यूटीफुल इंजन साउंड, जस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि जब आप एक्सेलरेट करते हो अपाचे को एंड दैट स्वीट साउंड दैट द इंजन गिव्स, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल, यू नो इट गिव्स यू दैट फीलिंग कि आप थोड़ा और रेस मारो अपाचे को, इट्स जस्ट एन अमेजिंग पावरफुल मशीन। Thousands of tears later. So finally. We are not there yet, but ठीक है 15 से 20 मिनट और लगेंगे हम लोग को पहुँचने में होटल। वेदर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, हाउएवर मैसूर इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली हुई है एंड गर्मी भी लग रही है, अब ऑन टॉप ऑफ इट द जर्नी अब लग रहा है टायर्ड भैया, फटाफट पहुँचना है होटल और एक क्विक 30 मिनट्स पावर नैप लेना है एंड उसके बाद वापस से निकलेंगे। मीनवाइल हम लोग होटल पहुँचते हैं, आप लोग मैसूर रोड्स देख लीजिए एंड फिर डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन लोग थोड़ा बहुत मैसूर घूमेंगे एंड वही दिखाते हैं फिर आपको। चलिए सी यू गाइस सून। Some
Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you track your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. With a brave, I'm free, and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to make